फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू काशी एक्सप्लोरिंग लाइफ। हैदराबाद हमारे लिए लाया है एक अनोखा अंडर वाटर टनल एक्वेरियम एक्सपो, जो आपको 180 डिग्री मरीन लाइफ का एक्सपीरियंस कराएगा। तो एक अद्भुत एक्सपो है ये। हैदराबाद सिटी का फर्स्ट ऐसा एक्सपो है जो आप इसे बिल्कुल ही मिस मत कीजिए। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही अनोखा रहेगा। यहाँ आपको ऐसी मरीन लाइफ देखने मिलेगी जो आप कभी अभी तक शायद सिर्फ टीवी पे ही देखे आए। ये कुकटपल्ली में लगा है, 15 अप्रैल 2023 से ओपन हुआ है और ये 2 महीने रहने वाला है। इसका टाइमिंग है सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे और इसकी एंट्री टिकट है बड़ों की 150 रुपीज़ और जो बच्चे 10 साल से ऊपर है उनकी 120 रुपये। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे 3000 फिशेस है जो 500 स्पीशीज के लाए गए हैं, जिसे देखने इसमें जैसे स्टार फिश है, एंजल फिश है, क्लोन फिश है, सी हॉर्सेस है, बॉक्स फिश है, ऐसे बहुत सारे। और ये मलेशिया, सिंगापुर एंड केरला जैसे जगह से लाए गए हैं। ये टनल एक्वेरियम बनाने के लिए 6 महीने लग गए हैं और इसका टेम्परेचर एसी के थ्रू मेंटेन किया जाता है, इसलिए जो कि ये यहाँ की जो फिश है वो बराबर रहे। सही है ना? यस यस यस, कम ऑन। अशा वेळेस हॉलिवूडचे पिक्चर आठवतो म्हणून सगळं रमला। बच्चों को बड़ा मजा आएगा, ऊपर से तैरती नजर आएगी
मेले की तरफ, ये जो टनल है वो सीधा जाके मेले में जाते हैं और यहाँ से पूरा एक्वेरियम से निकल के फिर ये टनल है, टनल से आगे चलते चलते मेला आएगा जहाँ पे बहुत सारे झूले हैं, फिर शॉपिंग का है, ये देखिए वीडियो काट लें। सो आप ये ज़रूर एक्सपो देखने आइए, इसे मिस बिल्कुल ही मत कीजिए, बिकॉज ये एक टाइप का हैदराबाद का एक फर्स्ट ऐसा एक्वेरियम है जो कि टनल एक्वेरियम, जो कि आपको बस 80 डिग्री व्यू कराएगा, जैसे ऊपर से नीचे से पूरा आप एंजॉय कर सकते हो, आगे पीछे आपको लगेगा कि जैसे वाटर है और उसमें आपके ऊपर से नीचे से ऐसे फिश बह रही है, ऐसा ये टनल है। तो आप बिल्कुल ही मिस कीजिए और जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर आके देखिए। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए प्राश एक्सप्लोरिंग लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग। और ये यहाँ पे रहने वाला है 2 महीने, मतलब आज हम आए हैं 16 अप्रैल 2023 और ये अभी से 2 महीने के लिए रहने वाला है, तो आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। रियो से बाय बोलो। तो ऐसा हमने घूम लिया है, ये अंडर वाटर टनल एक्सपो है। देखो कितना सुंदर बनाया गया है यहाँ पे फिश को, यहाँ पे एक बनाया गया है क्योंकि एक्वेरियम टनल है इसके अंदर, इसलिए तो ज़रूर विज़िट कीजिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है।